हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरमान आलम है और आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ बीम बाय थंब रूल। तो दोस्तों, इसका थंब रूल ये है कि डेप्थ ऑफ बीम इन इंचेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम इन फीट। मतलब कि अगर डेप्थ ऑफ बीम इंचेस में होगा, यानी अगर जितना लेंथ होगा बीम का फीट में, उतना डेप्थ होगा बीम का इंचेस में। इसको इस एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास बीम है जिसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है, और इसके डेप्थ को हम d से डोनेट कर रहे हैं। तो चूंकि दोस्तों लेंथ अगर 10 मीटर है, इसको अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 32.80 फीट। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32.80 फीट। तो इस बीम का डेप्थ कितना होगा, तो इस बीम का डेप्थ होगा इस थंब रूल के अकॉर्डिंग, डेप्थ ऑफ बीम इन इंचेस इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम इन फीट। तो यहाँ लेंथ ऑफ बीम हमको पता चल गया है 32.80 फीट, तो इसका डेप्थ कितना होगा, इतना ही इंचेस होगा, यानी डेप्थ ऑफ बीम इक्वल टू हो जाएगा 32.80 इंचेस। और दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट के तहत,